दिल्ली की कानून व्यवस्था, पानी की गई दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति ये हमारी आशा थी और ये हमारी मांग थी। पिछले हजार तीन मामले सामने आए, पहला मैं हुआ था एक दानिश महिला का बलात्कार हुआ दिल्ली में, महिला आईडी नीचे कर लो, आईडी नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो, जांच चल रही है, नीचे कर लो, दो को पकड़ लिया, अरे नीचे कर लो, सब कौड़ी है, जांच चलो कि अगर बलात्कार होता है तो किसी ना किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। कितनी आईडी लगाएगा भाई, कितनी आईडी लगाएगा कि घर में ही किसी ने कुकर्म कर दिया उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर, लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर असामाजिक तत्व कुकर्म करते हैं तो किसी ना किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तय। दूसरा मामला हुआ कि सागरपुर में एक लड़की को जला दिया गया, कम से कम 11 ढंग का, जिस लड़की को जलाया गया उसको जलाने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। और तीसरा मामला चेक कहाँ कराने के लिए, नगर में नीचे कर ले यार, खिड़की एक्सटेंशन में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट पकड़ा गया, ऑडियो लेवल बढ़ाइए और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। ये तीनों बहुत सीरियस मामले थे। अभी तक दिल्ली में जब भी कोई भी मामला होता था, रखो यार आईडी, तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। पकड़ लो, ये भी पकड़ लो यार। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की, लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच नीचे जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी गिर गई हो, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। नीचे कर ले भाई। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर धरने के ऊपर बैठा हुआ था। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं थे। हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनके लिए संघर्ष करेंगे, हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें।
उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहां पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी दो दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील की का सम्मान करते हैं, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दर्जा दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है वो एक, आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया, लेकिन अरे सर बैटरी